सो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं फैनकोर्ट ECS T10 ड्रेसडन सीरीज के जो मैच नंबर 19 खेला जाएगा RCD वर्सेस BSCR के दरमियान में। दोस्तों, इस मैच का पूरी डिटेल से हम लोग बात करने वाले हैं। RCD और BSCR के टीम ने जितने भी मैचेस खेले हैं दोस्तों, सारे मैचेस को इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। RCD के टीम ने 6 मैचेस खेले हैं, जिसमें से एक मैचेस में ही लॉस किए हैं और बाकी के 5 मैचेस जीते हैं दोस्तों। और सेम BSCR की टीम ने भी दोस्तों 6 मैचेस खेले हैं, जिसमें से अगर आप देखोगे तो एक मैचेस में लॉस किए, बाकी के 5 मैचेस जीतते हुए आ रहे हैं। दोस्तों, इस सीरीज के खेले गए मैचेस में कौन से खिलाड़ी ने ओपन किया है, कौन से खिलाड़ी फर्स्ट राउंड पे खेलते हुए दिखे हैं, सारे खिलाड़ी का बैटिंग ऑर्डर के अनुसार मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस प्रकार परफॉर्म किए हैं किस मैचेस में, कौन से बॉलर आपको कंप्लीट 2 ओवर बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी के लिए सबसे बेस्ट चॉइस बताऊंगा, जिसकी मदद से आज यहां पे आप ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के शानदार टीम तैयार कर सकते हो। तो सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है दोस्तों इस वीडियो के अंदर इस मैच का। तो अगर आप इस मैच में एक बेहतरीन टीम क्रिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखना, ताकि इस मैच का आपको पूरी डिटेल्स मिल पाएगा और आप एक बेहतरीन टीम बना पाओगे। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना गाइस, ताकि आने वाले मैचेस का वीडियो मैं जैसे अपलोड करूंगा आपके पास सीधे नोटिफिकेशन पहुंचेगा और सारे मैचेस का जानकारी आपको मिल पाएगा। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर टॉस आपको फाइनल टीम दे दिया जाता है। देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे 21,000 प्लस यूजर ने ज्वाइन कर लिया और ये ग्रुप बिल्कुल फ्री ग्रुप है, तो आई थिंक आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि लाइनअप आने के बाद किसी प्रकार के अगर चेंजेस होते हैं तो फाइनल टीम आपको यहीं पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पहला कमेंट भी पिन कर दिया गया है। 2 जगह लिंक है, बिल्कुल फ्री है, कहीं पर भी क्लिक करके आप आसानी से इस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आपने ज्वाइन कर लिया होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे सबसे पहले पिच रिपोर्ट से। दोस्तों, ये पिच बैटिंग फ्रेंडली पिच है, बैट्समैन को काफी बढ़िया सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो चलिए यहां पे RCD के खेले गए मैचेस को अगर आप देखोगे तो जो ओपन करते हुए देखे मुस्तफा खान, जो कि पहले मैच में ओपन करते हुए 14 रन, फिर यहाँ पे 13 रन, फिर 7 रन, फिर 37 रन, फिर 14 रन, फिर यहाँ पे 7 रन का पारी खेलते हुए दिखे। देखो, टीम का ओपनर बल्लेबाज है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहेगा। बाकी संदीप कंबोज की बात करेंगे तो दोस्तों, टीम के ओपनर बल्लेबाज, ये भी पहले मैच में 19 रन बनाए थे, 2 विकेट, फिर यहाँ पे 6 रन बनाए थे, 51 रन बनाए थे, इसे विकेट नहीं मिला, फिर 1 रन, फिर यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो 4 रन बना के एक विकेट, फिर 12 रन बना के एक विकेट। देखो, कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी के लिए काफी लोगों ने इनको ट्राई किया हुआ है और बिल्कुल सही है, टीम का टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, अच्छे खासे स्कोर भी किए हैं सीरीज में और रन्स भी, रन के साथ साथ बॉलिंग से भी अच्छे खासा विकेट निकाल रहे हैं, तो ये दोनों को अपने टीम में जरूर ट्राई करना। बाकी अरुण को ड्रॉप करते हुए चलेंगे। शाहरुख खान का भी स्टेट्स देखोगे तो लगभग ठीक ठाक है, टीम का टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, पहले मैच 25 रन, फिर यहाँ पे 5 रन, फिर 14 रन का पारी खेलते हुए दिखे हैं। हसन मुबारक की बात करेंगे, सेकंड राउंड पे खेलते हैं, पहले मैच में 17 रन बना के एक विकेट, फिर यहाँ पे 13 रन बना के एक विकेट, फिर 12 रन बना के एक विकेट, फिर 12 के 2 विकेट निकाले। देखो, कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी के लिए चाहो तो आप इनको भी अपने टीम में ले सकते हो। रीजन मैं आपको बता रहा हूं, टीम का सेकंड रन का खिलाड़ी है, प्लस आपको गेंदबाजी भी कंप्लीट 2 ओवर करते हुए दिखेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है और लगातार देख सकते हो विकेट भी निकाले हैं। बाकी यहाँ पे अमृत पॉल की बात करें, इनका स्टेट्स आपके सामने है, 2 मैच खेले हैं, पहले मैच में 2 विकेट, दूसरे मैच में बल्लेबाजी से तो फ्लॉप था लेकिन गेंदबाजी से 1 विकेट निकाले हैं। गुलजार रसूल की बात करेंगे, टीम का फर्स्ट रन का खिलाड़ी है, 19 रन बना के 1 विकेट निकाले, फिर 66 रन बना के यहाँ पे 1 विकेट अटकाए। दोस्तों, ये अगर देखोगे यहाँ पे तो 2 ही मैचेस खेले हैं, अगर ये खेलते हैं तो आप समझ सकते हो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी बंदा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। 2 मैच खेले हैं और दोनों मैच में काफ़ी बढ़िया इन्होंने गाइस परफॉर्म की हैं, तो नहीं खेल रहे हैं यही कारण इनका सिलेक्शन कम है और अभी नहीं लेंगे, लेकिन लाइनअप आने के बाद अगर ये बंदा खेलता है तो अचानक से कैप्टनसी के लिए ट्राई करेंगे, उस टाइम आपको समझना होगा कि इनको क्यों ले रहे हैं। तो जो वीडियो देख रहे हैं उनको इजी समझ में आएगा। बिलाल जडरन जो कि थर्ड राउंड पे खेलते हुए 6 रन बना के 1 विकेट निकाले, फिर 14 रन बना के 1 विकेट अटकाए, फिर यहाँ पे 34 रन बना के 2 विकेट निकाले हैं। अहमद अली की बात करेंगे तो पहले मैच फ्लॉप, फिर 2 विकेट, फिर लगातार फ्लॉप रहे हैं। वहीं अगर बात करें राहुल ग्रोवर के बारे में दोस्तों, तो पहले मैच में 3 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर फ्लॉप रहे, फिर 1 विकेट, फिर यहाँ पे फ्लॉप रहे हैं। नूरुल्लाह की बात करेंगे तो पहले मैच फ्लॉप, फिर यहाँ पे 1 विकेट, फिर उन्होंने 2 विकेट निकाले हैं। अजम अली जो कि पहले मैच में 2 विकेट, फिर इन्होंने 1 विकेट अटकाए, इन्होंने 2 मैच में खेले दोस्तों, दोनों मैच में काफी बढ़िया विकेट अटकाए हैं। बाकी कपिल की बात करेंगे तो पहले मैच में 1 विकेट, फिर सेकंड राउंड पर बल्लेबाजी करते हुए 18 रन बना के 2 विकेट, फिर 4 रन बना के 3 विकेट, फिर बैटिंग बॉलिंग से फ्लॉप रहे। विकास का स्टेट्स कुछ खास नहीं और इनका भी कुछ खास परफॉर्म अभी तगड़ा नहीं है। तो ये था दोस्तों यहाँ पे RCD के खेले गए मैचेस का स्टेट्स। लेकिन सेकेंड टीम की बात करेंगे BSCR के टीम के बारे में, तो यहाँ पे सनवाज अहमद जो आपको ओपन करते हुए देखेंगे, पहले मैच में ओपन करते हुए 1 रन, फिर 29 रन, फिर फ्लॉप रहे, फिर फ्लॉप, फिर 28 रन बना के यहाँ पे देख सकते हो लास्ट में 30 रन का पारी खेलते हुए देखिए। देखो, टीम का ओपनर बल्लेबाज है, अच्छे खासे फॉर्म पे भी है, ले सकते हो। इमरान चौधरी की बात करेंगे, सेकंड राउंड पे बल्लेबाजी करते बंदा फ्लॉप है, फिर 2 रन बना के इसे विकेट नहीं मिला, फिर 30 रन बना के 2 विकेट, फिर यहाँ पे 16 रन बनाए थे उसे विकेट नहीं मिला, फिर इनका स्टेट्स कुछ खास इनको ड्रॉप करेंगे। जफर की बात करेंगे दोस्तों, फर्स्ट राउंड पे खेलते हुए 40 रन, फिर फ्लॉप रहे लगातार मैचेस में। वहीं SR की बात करेंगे, टीम के ओपनर बल्लेबाज है, पहले मैच में 38, 25, 43, फिर लगातार 3 मैच में फ्लॉप। देखो, ओपनर बल्लेबाज ये भी है, इंपॉर्टेंट भी रहेंगे।
बाकी नदीम महसन का स्टेट्स यहाँ पे कुछ खास नहीं है। सदर लिखमत की बात करें तो इनका स्टेट्स देख सकते हो, पहले मैच में एक विकेट, फिर यहाँ पे फोर्थ राउंड पे बल्लेबाजी करते हुए 20 रन बना के दो विकेट, फिर सेकंड राउंड पे बल्लेबाजी करते हुए 61 रन बनाए थे, इसे विकेट नहीं मिला, फिर 8 रन बना के दो एक विकेट, फिर यहाँ पे 7 रन बनाए थे, विकेट नहीं मिला, फिर 36 रन बनाए थे। देखो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि टीम के टॉप पर खेलते हुए दिख रहे हैं। देख सकते हो बैटिंग ऑर्डर यहाँ पे सेकंड राउंड पर भेजा जा रहा है, पहले मैच में था कि देखोगे तो 4 नंबर पर भेजा जा रहा था, लेकिन ये अगर आप देखोगे तो बॉलिंग भी कर रहे हैं दोस्तों, यही कारण है कि कैप्टनसी के लिए ट्राई कर सकते हो। बाकी नूरुद्दीन की बात करेंगे तो पहले मैच है फ्लॉप, फिर यहाँ पे एक विकेट, फिर 16 रन बना के दो विकेट, फिर उन्होंने एक विकेट निकाले। जैब इकबाल की बात करेंगे तो स्टार्टिंग के पहले मैच है फ्लॉप, फिर तीन विकेट, फिर फ्लॉप रहे, फिर तीन विकेट, फिर लगातार मैच में इन्होंने विकेट चटकाए हैं। यूसुफ खान जो कि बॉलिंग बहुत ही सुपर करते हुए दिखेंगे, कंप्लीट आपको दो ओवर करते हुए दिखेंगे दोस्तों, पहले मैच में दो विकेट, फिर एक विकेट, फिर उन्होंने दो विकेट निकाले हैं। टीम के ये मेन बॉलर है और अभी तक तीन मैच ही खेले, या ये चीज़ ध्यान रखना अगर खेलते हैं तो हाई इंपॉर्टेंट रहेंगे। अली भट्ट की बात करेंगे तो पहले मैच में एक विकेट, फिर यहाँ पे दो रन बनाए थे, विकेट नहीं मिला, फिर फ्लॉप, फिर 9 रन बनाए थे, इसमें एक विकेट निकाले, फिर फ्लॉप रहे। सदीक सावत की बात करेंगे दोस्तों, ये एक मैच खेला जिसमें 34 रन खर्च करते हुए दो विकेट निकाले हैं। यहाँ पे सैयद अफशाफी की बात करेंगे, पहले मैच फ्लॉप, फिर 25 रन बना के एक विकेट निकाले। फरीद शाह जो कि पहले मैच में दो विकेट, फिर चार विकेट, देखो टीम के भी बहुत ही सुपर बॉलिंग करते हुए दिखेंगे और इंपॉर्टेंट भी है। बाकी हम बात करें यहाँ पे गैस नेक्स्ट लड़े के बारे में, इन्होंने भी एक मैच खेले जिसमें से देखोगे तो एक विकेट इन्होंने चटकाए हैं। तो ये था दोस्तों यहाँ पे BSCR और दोस्तों यहाँ पे जो लास्ट खिलाड़ी RCD के स्टेट्स जो कि अभी तक इस सीरीज में खेले हैं बैटिंग ऑर्डर के साथ, यहाँ पे आप देख सकते हो। दोस्तों सारे खिलाड़ी को देखते हुए मैंने आपके लिए एक बेस्ट टीम तैयार किया है, तो चलिए उस टीम की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया मेरे भाई तो लाइक जरूर कर देना यार, क्योंकि मैं पूरी मेहनत से सारे प्लस का स्टेट्स लाते रहता हूँ। और इसी प्रकार का अगर स्टेट्स आपको देखना पसंद है, आने वाले मैच का आपको वीडियो चाहिए दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले मैच का वीडियो मैं जैसे अपलोड करूँगा आपके पास सीधे नोटिफिकेशन पहुँचेगा और सारे मैचेस का जानकारी आपको मिल पाएगा। बाकी चलिए हम लोग इसके बेसिस पर एक बेहतरीन टीम की ओर बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टेट्स आपने देख लिया सारे खिलाड़ी का बैटिंग ऑर्डर के साथ, मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है बैटिंग ऑर्डर के साथ। देखो जिसको मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया है बैटिंग ऑर्डर के साथ, स्टेट्स जिनका अच्छा लगा है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ उसी खिलाड़ी को अभी ट्राई करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, जो वीडियो को शुरू से देख रहे हैं उनको ज़्यादा क्लियर होगा। एम खान जो कि इनको लेते हुए चलेंगे हेड टू हेड स्मॉल लीग के लिए, हाई इंपॉर्टेंट इनका स्टेट्स मैंने आपको दिखाया वीडियो में बैटिंग ऑर्डर के साथ। बाकी बैटिंग की बात करेंगे दोस्तों तो चार बैट्समैन को अपने टीम में लेना जरूरी है। NSR बहुत ही सुपर बल्लेबाज है दोस्तों, इनको लेना जरूरी रहेगा। यहाँ पे एस मुबारक को ट्राई करेंगे, ये भी बहुत ही सुपर खिलाड़ी। देखो एस अहमद भी बहुत ही शानदार खेल सकते हैं, स्टेट्स बहुत ही शानदार है, लेना चाहते हैं इनको ले सकते हो। लेकिन फिलहाल दोस्तों मैं चार ही बैटिंग सीजन खिलाड़ी को ट्राई करेंगे, जिसमें से RCD की बात करेंगे दोस्तों, ये भी बहुत ही सुपर खिलाड़ी है, इनका भी स्टेट्स मुझे बहुत शानदार लगा। वाइस कैप्टनसी के लिए इनको मैंने इंपॉर्टेंट बता रखा है, रीजन टीम का टॉप ऑर्डर का बैट्समैन प्लस दो ओवर गेंदबाजी करेंगे, तो ये चीज ध्यान में रखना, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखो आय चौधरी को लेना चाहते हो तो कम से कम GL में जरूर ट्राई करना, अगर आप 6 टीम क्रिएट कर रहे हो तो दोस्तों एक से दो टीम में कम से कम जरूर करना, बहुत ही शानदार खिलाड़ी है। बाकी बात करेंगे दोस्तों यहां पे ऑलराउंडर के बारे में, तो दो ऑलराउंडर खिलाड़ी को मैंने लिया हुआ है, इसमें से देखोगे तो आयलकर जो कि गाइस कैप्टनसी के लिए वाइस कैप्टनसी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो जी रसूल अगर खेलते हैं तो ये चीज ध्यान में रखना, कैप्टनसी के लिए इनको लेंगे, ये चीज आपको लाइनअप आने के बाद ही पता चलेगा, फिलहाल इनको ड्रॉप करते हुए चल रहे हैं, लास्ट मैच में नहीं खेले इसलिए। यहां पे अगर आप देखोगे वाई खान, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी लेना चाहते हैं तो बिल्कुल, ये भी सुपर खिलाड़ी है, मैंने पहले कहा था स्टेट्स बताते वक्त ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी बात करेंगे दोस्तों यहां पे बॉलिंग संघ के बारे में, तो यहां पे चार बॉलर मैंने लिया हुआ है, जे इकबाल जो कि पूरे आपको यहां पे दो ओवर गेंदबाजी करते हुए देखेंगे, आर ग्रोवर भी दो ओवर गेंदबाजी करेंगे दोस्तों, इनको लेना चाहते हैं ले सकते हैं। 20 रडरन को मैंने ट्राई किया जो कि बहुत ही सुपर गाइस, ये भी बॉलर है, और दोस्तों BSCR के टीम की तरफ से मैंने इनको भी लिया जो कि बहुत ही शानदार बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। देखो अगर यहाँ पे चार बॉलर को लेना चाहते हैं तो आर ग्रोवर को भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर चार बैट्समैन के यहाँ पे जाना चाहते हैं, ये चॉइस आपके पास रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों अगर फिलहाल टीम प्रीव्यू देखा जाए तो कुछ इस प्रकार का है, जिसमें से कैप्टनसी की बात करेंगे तो इनको ट्राई किया हुआ है, वाइस कैप्टनसी के लिए इनको अपने टीम में ले रहा हूँ। देखो अगर आप चाहो तो यहाँ पे स्वाइप कर सकते हो, इनको कैप्टन बना सकते हो, इनको वाइस कैप्टन बना सकते हो, ये चॉइस आपके पास रहेगा। एच मुबारक भी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए बेस्ट चॉइस है दोस्तों, ये मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सेफ टीम है। यहाँ पर अगर किसी प्रकार का अगर चेंजेस होगा तो मैं आपको फाइनल टीम टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप को मिस मत करना, इस वीडियो के नीचे डिस्कशन बॉक्स पर लिंक दे दिया गया है। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।